नामदेव जी कहते हैं जिसने अपनी बना ली, श्रेष्ठ बना ली, उन चार चीजों का संग अच्छा कर लिया, तो उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है। नामदेव जी कहते हैं पहले नंबर पर है मित्र दोस्त। अगर आपका मित्र, आपका दोस्त आपको बुद्धि देने वाला, आपको अकल देने वाला, आपको सजेशन देने वाला, आपको मार्ग बताने वाला, आपकी सही बुद्धि विवेक में कोई बात को फिट करने वाला अगर अच्छा है, तो आप दुनिया में कहीं कभी धोखा नहीं खा सकते, आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे। मित्र अच्छा हो, दोस्त अच्छा हो। दूसरे नंबर पर नामदेव जी महाराज कहते हैं किताब, जिस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, जिस वेद को हम पढ़ रहे हैं, जिस शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं, जिस आनंदमय पुस्तकों को, जिन शास्त्रों को हम पढ़ रहे हैं, जिन पुराणों को हम पढ़ रहे हैं, अगर उसका सही अध्ययन करा है, आपने सही तरह से उसको मनन चिंतन करा है, एक एक शब्द को अपनी जिंदगी में उतारा है, तो आप कभी धोखा नहीं खा सकते, आप अग्रण्य बढ़ते चले जाओ। आप कभी धोखा नहीं खा सकते। अगर आपने पुस्तक को सही से पढ़ा है, आपने वेद को सही से पढ़ा है, आपने पुराण को सही से पढ़ा है, आपने शास्त्र को सही से पढ़ा है, एक एक शिव महापुराण के एक एक शब्द को अगर आपने सही से पढ़ा है, लिंग पुराण के एक एक शब्द को आपने सही से पढ़ा है, भागवत पुराण के एक एक शब्द को आपने सही से पढ़ा है, अगर आपने रामचरितमानस के एक एक शब्द को सही से पढ़ा है, गीता को एक एक शब्द को सही से पढ़ा है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है केवल पढ़ने से काम नहीं चलता, उन शब्दों का मनन चिंतन अपने भीतर भी होना चाहिए। कपड़ा बदल लेने से कोई संत नहीं होता। शिव को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए अपना कलेजा बदलना पड़ता है, तब परमात्मा प्राप्त होता है। कपड़े से कोई संत नहीं बन गया, कपड़े से कोई साधु नहीं बन गया, कपड़े से कोई सन्यासी साधक उपासक नहीं बन गया, अपना कलेजा बदलना पड़ेगा। माई नर्मदे हर रेवा मैया, उनके भक्ति में डूबना, उनके भजन में डूबना, उनके स्मरण में डूबना, ये एक आनंद का विषय है। गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में कहते हैं, गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में कहते हैं, और आपने अगर पंजाब की कथा सुनी होगी, भटिंडा पंजाब में हमने कथा बाची थी, तो उसमें हमने वर्णन किया था गुरु नानक देव जी के प्रसंगों का। गुरु नानक देव जी अपनी भाषा में कहते, बाले सुन, संसार में मनुष्य देह पाले ना सरल है बाले, पर संसार में मनुष्य देह पाने के बाद में उस ईश्वर को याद कर लेना कठिन बात है बाले। ये गुरु नानक देव जी अपने शिष्य से कह रहे हैं। बाले, गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले सुन, नर सेवा ही नारायण की सेवा है, इसलिए भारत भूमि के किसी भी गुरुद्वारे में जाकर देखना, वहां लंगर आप कभी भी पहुंच जाओ और जाकर आप विनती कर दो, साहब भूखा हूं, लंगर चखना है। तुरंत अंदर से जाएंगे और जो गुरुद्वारे में रहते हैं वो मेरे भाई जाकर तुरंत तुमको लंगर चखा देंगे। नर सेवा नारायण सेवा है, ये गुरु नानक देव जी कहते हैं। संसार में अगर परमात्मा को पाना है तो मनुष्य की सेवा करना पड़ेगी। परमात्मा को पाना है, गुरु नानक देव जी ने कहा, मंदिर में दीपक लगाना, मंदिर में अगरबत्ती लगाना, मंदिर में आतिशबाजी छोड़ने से बड़ा प्रसन्नता, मंदिर में दिया लगाने से बड़ी प्रसन्नता, मंदिर में अगरबत्ती लगाने से बड़ी प्रसन्नता, गुरु नानक देव जी कहते हैं, किसी भूखे को भोजन कराने में, प्यासे को पानी पिलाने में, कोई बीमार है उसकी दवाई दिलाने में, किसी को एजुकेशन चाहिए, पढ़ना है, बच्चा बहुत होशियार है, पढ़ने का पैसा नहीं है, उसको पढ़ाने का प्रयास करना, कोई भूखा है उसको भोजन कराने का प्रयास करना, कोई प्यासा है उसको पानी पिलाने का प्रयास करना, कोई रोगीला है दवाई की जरूरत, औषधि की जरूरत है, प्रयास करना कि हमारे पास की अगर कोई औषधि उसके काम आ जाए। मैं धन्यवाद देता हूं इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा में मेरी जीजी आती हैं, मेरे जीजा आते हैं, मेरी बेटियां, मेरी बेटे, मेरी माँ इस कथा में आते हैं, साथ में बिछाने का चादर लाते हैं, ओढ़ने का कम्बल चादर लेकर आते हैं, छाता लेकर आते हैं, और जब देखते हैं कि बाहर धूप बहुत तेज हो रही है, बाहर गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, तो वहां बैठी हुई माँ अपनी चादर निकाल कर दे देती है और कहती, भैया लगा के बैठ जाओ, भैया लो इसको लगा लो, तुम आराम से कथा सुन लो, फिर जाते समय मेरी चादर वापस दे जाना, मेरा छाता मुझे दे जाना, भैया लो कथा सुन लो। हमें प्रसन्नता होती है इस चीज की। कभी मौका मिले ना, कभी मौका मिल जाए जिंदगी में, तो एक बार शिव महापुराण के पंडाल में
एक रात्रि किसी शंकर भगवान की पवित्र कथा के पंडाल में जरा रुक कर देखना, जितने अच्छे रिश्ते तो तुम्हारे घर में नहीं होंगे, उससे अच्छे रिश्ते तो इन पंडालों में बन जाते हैं। पंडालों में कई जीजी सही है कि गलत है बोलो तो, और महाराज जीजा होन कई रिश्ते जो घर में नहीं बन पाते वो रिश्ते पंडालों में बन जाते हैं भगवान की अविरल भक्ति के, और ये रिश्ते साधारण नहीं है। ये रिश्ते साधारण नहीं है। संसार के लोग तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे, पर जिसने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है वो महादेव तुम्हारा यहां भी हाथ नहीं छोड़ेगा और वहां भी हाथ नहीं छोड़ेगा, ये निश्चित है। निश्चित ये देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कहती है, पवित्र कथा। आपको मालूम हो नामदेव जी ने, नामदेव जी से कहा, नामदेव जी तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा? नामदेव जी से कहा, नामदेव जी तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? नामदेव जी ने कहा, मैंने चार चीजें अजमा कर रखी है, अच्छा मित्र, अच्छा दोस्त, अगर अच्छा मित्र होगा अच्छा दोस्त होगा तो वो तुम्हें डूबने नहीं देगा। और नामदेव जी महाराज भारत की भूमि के वो संत थे जिन्होंने सबसे ज्यादा समय पंजाब की भूमि पर निकाला। पंजाब की भूमि पर जब नामदेव जी गए तो गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को गले लगा लिया, और नामदेव जी को इतना, दोनों के बीच में सत्संग होता, दोनों के बीच में इतना सत्संग होता, तो नामदेव जी ने ओढ़ा नागनाथ में जाकर कह दिया कि अगर अच्छा मित्र तुम्हें मिल जाए, अच्छा सखा तुम्हें मिल जाए, अच्छा दोस्त तुम्हें मिल जाए, तो वो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है और परमात्मा से मिला देता है। ये गुरु नानक देव जी ने ज्ञान दिया था नामदेव जी महाराज को कि माया में मत भ्रमित होना, नामदेव माया में मत पड़ना, भक्ति में लगे रहना। दुनिया तेरा अपमान भी करे तो भक्ति में लगे रहना, भजन में लगे रहना। दुनिया तुझे ताना भी दे तो भक्ति में लगे रहना, भजन में लगे रहना। दुनिया तुझे धक्के मार कर निकाल दे तो भक्ति में लगे रहना, भजन में लगे रहना। ये गुरु नानक जी नामदेव जी से कहा था, तो नामदेव जी ने उसको स्वीकार किया, स्वीकार किया मंदिर।